जय श्री महाकाल। मैं विष्णु लांबा, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आज हम लोग 11 लाख पौधारोपण अभियान का विश्व कीर्तिमान कायम करने के साक्षी बन रहे हैं। यहाँ श्री कल्पतरु संस्थान से जुड़े अन्य कार्यकर्ताओं को एक समूह दिया गया है, ब्राह्मण समाज को एक समूह दिया गया है, जैन समाज को अलग दिया गया है, फला समाज को अलग, फला एनजीओ को अलग, और वो एक जगह जगह दे करके उनको एक ब्लॉक दे करके बड़े बड़े ब्लॉक जहाँ जितना संभव हो सकता है, जितनी वो संख्या के हिसाब से कितने लोग आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए उतने पौधे उनको एक स्थान निश्चित किया गया है। सुबह से लेकर शाम तक ये लगातार प्लांटेशन चल रहा है, लाखों पौधे अब तक लगाए जा चुके हैं। ऐसी ही एक संस्था के बच्चे हमारे साथ हैं। किस संस्था से हैं और क्या जिम्मेदारी है, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ शर्मा है। हमारी संस्था का नाम संस्था स्प्रेडिंग है। आज हमारी संस्था में 30 लोग आए हैं और हमें 500 पेड़ों की जिम्मेदारी दी गई है। कितने लगाए चुके हैं अब तक? अभी हमारे 250 के ऊपर कंप्लीट। कचरा क्यों इकट्ठा कर रखा है, क्या है? हमारे इंदौर में कितना भी नवाचार हो जाए पर हमारा स्वच्छता सर्वोपरि है। पौधे लगाने के बाद में थैलियां मत फेंकिए इधर उधर, उनको साथ लेके आइए। ये संदेश है इंदौर की जनता जनार्दन का, क्योंकि यहाँ की जनता ने मन बना लिया है स्वच्छता के साथ साथ में अब हरियाली के मामले में भी नंबर वन आने वाले हैं। क्या नाम है आपका? अनीशा चौहान। अनीशा चौहान यहाँ पर है? रानी चौहान, खुशी चौहान, अनीशा, रानी, नंदिनी चौहान यहाँ पर है। शर्मा जी से आप मिले हैं? मोहित जी जाटवा हैं। ऐसे 30 वॉलेंटियर इस संस्थान के मिलकर के लगभग 500 पौधे लगा चुके हैं। आप सभी जहाँ भी जैसे भी संभव हो सके इस महायात्रा में सहभागी बनने के लिए इस माध्यम से ना सही, इस माध्यम से ही सही, अपने घर पे ही सही, अपने आसपास ही सही, कहीं नहीं तो एक गमले में ही सही, एक पौधा जरूर लगाइए। हम सभी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप लोगों से मोटिवेट होने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।